आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे जहां देसी कुत्तों को अडॉप्ट कर सके। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन मुहिम चलाएंगे, साथ ही अन्य आवारा पशुओं को लेकर भी दिल्ली सरकार कई योजना बना रही है। दिल्ली के अंदर आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है। आप देखें दिल्ली के अंदर जितने कूड़े के खत्ते हैं वहां पे गौ माता कूड़ा खाती हुई नजर आती है, जबकि गौ माता की सही जगह है कि उनको गौशालाओं के अंदर रखा जाए, वहां पे उनको हरा चारा दिया जाए। तो दिल्ली सरकार जितने भी आवारा पशु हैं, खास तौर पे गाय हैं और गौवंश है, उन सबको पालने के लिए आधुनिक गौशालाएं बनाएगा। नगर निगम में आने के बाद आम आदमी पार्टी ये गौशालाओं को बनाएगी जहां पे इन सबको रखा जाएगा। खास तौर पे दक्षिण दिल्ली की बड़ी से बड़ी कॉलोनी में आप चले जाएं तो वहां पे काउंसलरों के सामने सबसे ज़्यादा समस्या जो रखी जाती है वो है बंदरों की। बंदर लोगों की छतों पे आ जाते हैं, छतों से पानी की टंकी के अंदर गर्मी के मौसम में कूद कर नहा कर निकल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी पानी की टंकी के अंदर बंदर नहा के गए हैं। अंदर कमरों के अंदर आके फ्रिज खोलकर फ्रिज में से सामान लेके भाग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो आम आदमी पार्टी का वादा है कि हम सत्ता में आने के बाद इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में, जैसे असोला में है और भी कई नेचुरल हैबिटेट है, वहां पे इनको दोबारा से रखा जाएगा और वहां पे इनके खाने का आहार का इंतजाम किया जाएगा ताकि इनको जो है अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर ना जाना पड़े। ये जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये लोगों को अटैक करते हुए भी नजर आते हैं क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलता, भूखे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हर कॉलोनी के अंदर दो ग्रुप हैं, कुछ पशु प्रेमी हैं और कुछ कहते हैं कि इनको हमारे कॉलोनी से हटाओ। मैं एक और कैंपेन की शुरुआत का ऐलान आज करना चाहता हूं। हम जब एमसीडी में आएंगे तो इसको बड़े लेवल पर एमसीडी द्वारा इसको पुश किया जाएगा और हम एमसीडी की तरफ से सरकार में आने के बाद ये मुहिम चलाएंगे, बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन। आप भारतीय हैं तो भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपने घर में जगह दीजिए। इन बेचारे देसी नस्ल के कुत्तों को भी हमें जो है घर देना चाहिए। हम विदेशी नस्लों को तो बहुत पालते हैं और हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, विदेशी नस्लों को भी पालिए, मगर देसी नस्लों की भी आप थोड़ी सी चिंता कीजिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।